अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुपर फोर स्टेज का फर्स्ट मैच पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश के दरमियान हो रहा था, जिसको पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली और कंफर्टेबली विन कर लिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान टीम वाज माइंड ब्लोइंग। ओवरऑल दे ट्रूली डोमिनेट द होल मैच, बट द बिग कंसर्न जो पाकिस्तान टीम का अभी देखने में आ रहा है रिसेंट मैचेस से, कि पाकिस्तान पेस अटैक, वी ऑल नो दे आर मार्वलस। आज भी जो स्टार्ट लिया वॉज माइंड ब्लोइंग। फर्स्ट ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने मेडन डाला, देन नसीम शाह ने अपने फर्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पे ही विकेट ले लिया, एंड बांग्लादेश वॉज 0-4-1। एंड देन पाकिस्तान के पेसर्स ने डोमिनेट ही किया। नसीम शाह के से में 3 विकेटें आईं, 4 विकेटें हारिस रऊफ ने ली, एंड फहीम अशरफ जो मुझे लग रहे थे वॉज नॉट अ गुड चॉइस, बट एज ऑलवेज बाबर आजम का फैसला सही साबित हुआ। एंड डिस्पाइट ऑफ सबको लग रहा था कि फहीम अशरफ क्यों है टीम में, मुझे भी ये लग रहा था फहीम अशरफ को क्यों लिया गया है, व्हाट वॉज द रीज़न और क्या उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेस थी, बट बाबर आजम का वही है कि एक जो फैसला था या जो उनका डिसीजन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ, स्पॉट ऑन साबित हुआ एज ऑलवेज। और जैसे कि शादाब खान ने भी एक बार कहा था कि हमें लगता है, हमें लग रहा होता है कि वो डिसीजन सही नहीं है जो बाबर आजम ने लिया, बट है कि वो जो फैसला लेते हैं वो वर्क करता है। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी, आई एम क्वाइट हैप्पी कि राणा जी ने परफॉर्म कर दिया है एंड मुझे गलत साबित कर दिया, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी बिकॉज आई डोंट हैव एनी है कि मेरे इनके साथ कोई इख्तलाफात नहीं है किसी के भी साथ, ना ऐसा है कि मैं उन्हें एडमायर नहीं करती, बट मुझे ऐसा लगा था कि फहीम अशरफ अच्छी चॉइस नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ही प्रूव्ड मी रॉन्ग एंड आई एम क्वाइट हैप्पी दैट ही प्रूव्ड मी रॉन्ग। एंड इस तरह से जो शादाब खान भी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे और हम उनके बारे में भी बात कर रहे हैं, एंड वी ऑल आर होपिंग कि वो भी हमें गलत प्रूव करें। खैर, शादाब खान की अभी इतनी ज़्यादा है कि बात करने की नहीं है आई थिंक, बिकॉज ही इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर, ही इज़ एन ऑलराउंडर, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, तो अगर बैटिंग में उनसे कुछ नहीं होता तो वो बॉलिंग में कर लेते हैं, बॉलिंग में कुछ नहीं होता तो फील्डिंग में कर लेते हैं, तो ओवरऑल ही इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर, तो शादाब खान को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म की जरूरत नहीं है। बट जो प्रॉब्लम हमारे मिडल ओवर्स में आ रहा है वो हमारे स्पिन की वजह से आ रहा है, जो हमारा वीक स्पिन अटैक, तो मैं नहीं बोलूंगी अटैक तो खैर कुछ था, एनीवेज जो हमारी वीक स्पिन बॉलिंग है वो ही हमें कॉस्ट कर रही है, वरना इतना अच्छा स्टार्ट हमें हमारे पेसर्स दे देते हैं तो हमें 150-170 तक कहानी मुका देनी चाहिए। इंडिया वाले मैच में भी यही हुआ था कि हमने स्पिनर्स ने हमारी बहुत गंदी बॉलिंग की थी। खैर, अब आज नवाज को ड्रॉप करके फहीम अशरफ को लिया गया, तो फिर है कि एक एक्स्ट्रा पेसर का हमारे पास ऑप्शन भी था, दैट्स वाई आज हमने 93 पे बांग्लादेश को ऑल आउट कर लिया, और वो भी आज भी देखें तो हमारी कोई 9 विकेटें हमारे पेसर्स ने ली हैं। एंड अगेन शादाब खान जो कि मेन स्पिनर हैं पाकिस्तान की साइड के, वो विकेट लेस रहे और बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे हैं, आई डोंट नो वाई, बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे हैं शादाब खान, एंड ऐसा मैंने नहीं देखा उनको थ्रो आउट में, बॉलिंग से तो हमेशा ही अच्छे परफॉर्मेंसेस देते ही आए हैं, बट आई डोंट नो किसकी बुरी नज़र लग गई है, क्या बुरा पैच आ गया है शादाब खान के ऊपर के बॉलिंग बिल्कुल ही नहीं चल रही है और बहुत ही ऑर्डिनरी लग रही है। आई होप के शादाब खान इसको इससे रिकवर कर जाएं, इससे वो सीखें अपनी गलतियों से और अच्छी परफॉर्मेंसेस दें, बिकॉज जो मिडल ओवर्स हैं उसमें विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। हमेशा किसी भी टीम की कामयाबी की ज़मानत ही यही होती है कि मिडल में जो स्पिनर्स, ऑब्वियसली हर टीम के मिडल ओवर स्पिनर ही कराते हैं, तो मिडल में जो विकेट टेकिंग अगर आपके पास स्पिनर्स होते हैं तो आप कामयाब होते हैं, और हमारे पास ये जो है फैक्टर, ये लैक, इसमें हम लैक कर रहे हैं और हम इस पर अर्जेंटली काम करना पड़ेगा। एंड आई होप के इसके बारे में जो हार्डवर्क चल रही है उसके रिजल्ट भी आएंगे इंशाल्लाह, बट अभी तो खैर इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग एंड बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है मुझे लिटरली, बिकॉज अगर हमें टाइटल विन करना है तो हम इस तरह से नहीं विन कर सकते गाइज, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं विन कर सकते कि मिडल में कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन ही नहीं है। आज भी अगर देखें तो इफ्तिखार अहमद के खाते में भी चलो 1 विकेट आ गई, बट शादाब खान द मेन स्पिनर वॉज विकेटलेस।
एनीवेज अब आगे के जो मैच है, आगे का अब अगेंस्ट इंडिया मैच है अगेन. बेचारी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ्लाई करेगी कोलंबो के लिए, और इसके बारे में अभी कंफर्म भी नहीं है कि मैच होगा भी या नहीं होगा, आधा होगा कि होगा ही नहीं बिल्कुल, या हो सकता है अगर अल्लाह की मर्जी शामिल हुई तो शायद पूरा मैच भी हो जाए. बट स्टिल पाकिस्तान टीम को कोलंबो अब फ्लाई करना है, एंड अब कोई ज़्यादा पाकिस्तान को ट्रैवलिंग नहीं करनी है, जस्ट अब कोलंबो में ही पाकिस्तान जाएगा और वहीं पर सारे अपने मैचेस खेलेगा और इनशाला वहां से ट्रॉफी लेके वापस आएंगे इनशाला. एनीवेज आज के मैच के बारे में बैटिंग की भी खैर हमारी बात करें, बॉलिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी हुई, फील्डिंग भी अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह. बस ये एक फैक्टर हम इस फैक्टर में हम लैक कर रहे हैं, जो स्पिन का जो हमारा है कि वीक स्पिन है उसमें हम लैक करें, उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे. बिकॉज अगर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड बेस्ट बेस्ट पेस अटैक है, तो मैं ये भी कहूँगी कि हमारे पास अभी तो लग रहा है कि वर्स्ट जो स्पिन अटैक है वो हमारे पास है, क्योंकि बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे हैं. एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है मुझे एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन कि इतनी ज़्यादा ऑर्डिनरी स्पिन हमें हम नहीं के अफोर्ड कर सकते अगर हमें टाइटल विन करना है तो. और फिर जब बैटिंग की अब अगर बात करें तो बैटिंग में इमामुल हक वंस अगेन वाज माइंड ब्लोइंग. फ़खर जमान फिर से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर सके, और तो 9 रन पर उनका एक कैच ड्रॉप हुआ और तो मुझे लगा कि हो सकता है हमारे फ़खर जमान का दिन हो. बट 20 रन पर वो पवेलियन लौट गए. देन इमामुल हक और बाबर आजम ने चार संभाला, और बाबर आजम भी तस्कीन अहमद की बॉल पे बोल्ड आउट हो गए, और खैर अच्छी बॉल थी. एंड तस्कीन अहमद ने बाबर आजम का डिफेंस है कि वो उस तस्कीन अहमद की बॉल ने बाबर आजम का डिफेंस चीर दिया एंड जाके स्टंप पे लग गई और हम सबके दिल तोड़ दिए. एनीवेज इमामुल हक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, और थ्रू आउट खैर इमामुल हक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. बट वही बात है जो हम हमेशा कहते हैं कि इमामुल हक को फिनिश करना चाहिए. 78 रन की उन्होंने इनिंग खेली, और अच्छी इम्पैक्टफुल इनिंग थी, अच्छे स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा था. 92.86 का उनका स्ट्राइक रेट था. 4 छक्के भी उन्होंने लगाए हैं, 5 उन्होंने बाउंड्रीज लगाई हैं, और बहुत ही अच्छे टच में नज़र आ रहे थे. बट वो भी बोल्ड आउट हो गए, और है कि वही बात है कि इमामुल हक के बारे में हम यही कहते हैं कि ही इज़ केपेबल टू फिनिश द गेम एंड ही शुड फिनिश द गेम. और वो इतने अच्छे प्लेयर हैं कि जब वो है कि खड़े हो जाएं तो ऑब्वियसली मैच फिनिश करना चाहिए उन्हें, और वो अभी ऐसा कर नहीं सक रहे हैं. वही बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन अब है कि काफ़ी टाइम ऐसा हो गया है कि इमामुल हक 50+ स्कोर करके वो मैच फिनिश नहीं कर सकते हैं. खैर आज तो इतना बड़ा टारगेट नहीं था, बट जो हमारी रिवायात हैं, अगर थोड़ा बड़ा टारगेट होता और इमामुल हक चूँकि सेट हो चुके थे वो आउट हुए, तो फिर हमारी है कि वही है जो हमारी रिवायात हैं कि एक के बाद देख रहे हमारी विकेट्स गिरती रहती हैं, तो फिर है कि प्रेशर पाकिस्तान पर आ सकता था. वही बात है कि इमामुल को जब सेट हो जाते हैं तो उन्हें मैच फिनिश करना चाहिए. एंड आई होप कि इंशाल्लाह अब नियर फ्यूचर में वो इस पर भी काम करेंगे और इंशाल्लाह मैच फिनिश करके आएंगे पाकिस्तान के लिए. एंड ओवरऑल इट वाज नाइस परफॉर्मेंस, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस. बट वही बात है कि जो हमारे मिडल ओवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न की बात है. और खैर काफ़ी पॉजिटिव्स भी रहे पाकिस्तान के इस मैच से, के फहीम अशरफ की जो इंक्लूजन थी वो बहुत ही पाकिस्तान के लिए खुशाइन साबित हुई. एंड आई एम प्रिटी हैप्पी कि उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, और बाबर आजम ने जो एक डिसीजन लिया था जो कि सबको लग रहा था गलत है, मुझे भी लग रहा था गलत है, और कल भी मैंने जब वीडियो बनाई थी प्लेइंग 11 में मैंने कहा था कि फहीम अशरफ को शामिल किया गया है तो क्यों शामिल किया गया है. बट अल्हम्दुलिल्लाह फहीम अशरफ ने अच्छा परफॉर्म किया, और आगे उनसे तवक्कात मजीद बढ़ गई हैं कि वो जो हमारा वीक स्पिन अटैक होता है तो फिर मिडल में है कि फहीम अशरफ के ओवर्स आ जाएंगे तो पाकिस्तान को काफ़ी हेल्प मिलेगी. अगर वो ब्रेक थ्रू भी दिलवाते हैं तो भी काफ़ी हेल्प रहेगी. और आज उन्होंने बॉलिंग है कि बहुत अच्छी कराई, गो के जस्ट एक विकेट उन्होंने उनके क्रेडिट पे है. बट इकॉनमी उनकी बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी इकॉनमी उन्हीं की थी. बहुत ही है कि कंटेनिंग कर रहे थे बॉलिंग में, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे थे. सो ओवरऑल इट वॉज नाइस परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान
पाकिस्तान एंड आगे जो अब मैच है अगेंस्ट इंडिया, वी ऑल आर होपिंग कि मैच हो जाए, बारिश की नज़र ना हो। बीसीसीआई ने तो पूरी कोशिश लगा ली है कि मैचेस ना हो, हालांकि पहले बात हो रही थी कि मंडोटा में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, एडमबोला में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, बट आई डोंट नो किस तरह के उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं इन जगह पर खेलने की, कि वो बारिश होने के बावजूद भी। एंड अगर आपको मालूम हो तो कोलंबो में सैलाबी सूरत हाल है, इतनी बारिशें हो रही हैं, बट वही हटदर्मी है उनकी, उन्हें कोलंबो में ही मैचेस कराने हैं। एनीवेज वी ऑल आर होपिंग कि मैच हो जाए और पाकिस्तान विन कर जाए, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान टूर्नामेंट भी विन करें इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। अल्लाह हाफिज़।